हेलो एवरीवन, ओला सादिका, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट जीएल स्टोरी, माय कॉलेज लव। तो सीन शुरू होता है घर के बाहर से, जो घर बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा होता है, और जिसकी बालकनी में एक लड़की खड़ी होकर अपना फ़ोन यूज़ कर रही है और इंस्टाग्राम पे एक लीज़ा नामी लड़की की प्रोफाइल देखती है, जिसने अभी अभी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें अपने कॉलेज के फर्स्ट डे की एक्साइटमेंट के बारे में बताती है। जैसे वो वीडियो ख़त्म होती है तो वो लड़की इस वीडियो को लाइक करती है और एक स्माइल पास करते अपने रूम में वापस चली जाती है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस लड़की लीज़ा के घर, जो रेडी हो रही होती है अपने कॉलेज के लिए, और उसकी मामा उसको कहती है कि लीज़ा ब्रेकफास्ट रेडी है, जस्ट कम डाउन। और लीज़ा स्माइल करते हुए कहती है ओके मामा, आई एम कमिंग, और सीधा ब्रेकफास्ट के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। उसकी मामा कहती है सीम यू आर टू एक्साइटेड टुडे, और लीज़ा स्माइल करते हुए कहते हैं यस मामा, आई एम टू एक्साइटेड, और टेबल से एक एप्पल पकड़ के चली जाती है। कहती है ओके मामा, बाय बाय, ये कहते हुए चली जाती है। उसकी मामा कहती है कि लीज़ा एक्साइटमेंट में ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। अब मैं आपको लीज़ा के करेक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बहुत ही क्यूट, बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही केयरिंग पर्सन है, जिसके दो रैबिट के फ्रंट दांत उसको और क्यूट बना देते हैं, जिसने आईकॉम में एडमिशन लिया है कनेट कॉलेज में, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। चलें आप शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो लीज़ा अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ कर कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ रास्ते में उसका भाई राहुल, जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, उसको समझाता है। कहता है कि अगर कोई भी मसला हो मुझे फ़ौरन लीज़ा कॉल करना, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और ये कहते हुए वो उसको कॉलेज की तरफ ले कर आता है, और जैसे ही वो पहुँच जाते हैं उसी टाइम उसके लीज़ा बोलती है ठीक है भाई, मैं समझ गई हूँ, आप मुझे लेके टेंशन में हो, बट अब मैं कॉलेज कर लूँ भाई, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हाँ, अगर कोई भी मसला हुआ तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगी। तो लीज़ा का भाई स्माइल करते हुए उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना छोटी, और उसी टाइम चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। तो यहाँ हमारी लीज़ा अगेन इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है और कॉलेज में एंटर होती है, और हर डिपार्टमेंट से होते हुए सीधा अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरफ जाती है। तो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए जब लीज़ा कंप्यूटर डिपार्टमेंट में एंटर होती है, तो दूसरी तरफ से एक और लड़की अपना सेल फोन यूज़ करते हुए लीज़ा की तरफ आती है, और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है, और सेल फोन दोनों के नीचे गिर जाते हैं। और सेल फोन नीचे गिरने की वजह से दूसरी लड़की थोड़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि यू, और जब वो देखती है लीज़ा को थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और चुप कर जाती है। उसी टाइम लीज़ा बोलती है सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तो मैंने देखा नहीं। उसी टाइम वो नीचे झुक कर उसका फ़ोन पकड़ने लगती है, बट जब वो लड़की नोटिस करती है कि लीज़ा उसका फ़ोन पकड़ने लगी, तो जल्दी से अपना फ़ोन पकड़ लेती है और उसको छुपा देती है। और लीज़ा जब ये नोटिस करती है कि इसने इतनी जल्दी से अपना फ़ोन पकड़ लिया, तो थोड़ी स्माइल करती है और फिर खड़ी हो जाती है और अपना हाथ बढ़ाकर कहती है माय सेल्फ लीज़ा, और मेरा आज कॉलेज का पहला दिन है। दूसरी तरफ वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, माय सेल्फ रोज, और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, और बिना उससे हाथ मिलाए एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। जी, तो ये हमारा सेकेंड करेक्टर है रोज़, जो अपने कॉलेज टाइम की बहुत ही पॉपुलर लड़की है, फ्रेंड्स में, फॉलोअर्स में, और कॉलेज में भी, जो हर चीज़ में टॉप है, फुल ऑफ एटीट्यूड है, जैसा कि उसने अभी लीज़ा के साथ भी किया, एटीट्यूड के साथ बिना हाथ मिलाए चलेगी वहाँ से। जी, ये था हमारा सेकंड करेक्टर रोज़, जो कॉलेज टाइम की मोस्ट पॉपुलर लड़की है, जो बहुत ही प्यारी, फुल ऑफ एटीट्यूड है, हर चीज़ में टॉप पर है। हाँ, लीज़ा को उसका हाथ ना मिलाना वियर्ड लगा, बट जब अपने सेलफोन की तरफ देखती है तो लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी चल रही थी, तो सारे फॉलोअर्स उसके रोज के बारे में पूछने लग जाते हैं कौन है इतनी एटीट्यूड वाली, बट लीज़ा कहती है इट्स फाइन यार, वो मेरी सीनियर है, होता है ऐसा, कोई बात नहीं, और ये कहते हुए कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। और जब कैफेटेरिया दिखा रही होती है तो उसी टाइम एक अननोन पर्सन का कमेंट आता है लाइव स्ट्रीमिंग पे कि लीज़ा ने लगता आज क्लास कोई नहीं लेनी। और जब वो लीज़ा कमेंट रीड करती है तो कहती है उफ्स, मैं भूल गई, अब मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो आप लोगों से बाद में मिलूँगी, बाय बाय। तो ये कहकर लीज़ा सेलफोन को अपने बैग में रख देती है और सीधा क्लासरूम की तरफ जाती है, और रास्ते में कुछ लड़कियाँ उससे रोक के कहती हैं कि न्यू कमर हो,
ईजा कहती है हाँ, तो कहती है चलो मैं तुम्हें क्लासरूम दिखाती हूँ, और सीधा उनको एक कमरे में क्लास में ले जाती हैं। वहाँ कफ कुछ और लड़कियाँ भी होती हैं जो लीज़ा को देख के उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं और कहती हैं न्यू कमर हो। लीज़ा घबराते हुए कहती है हाँ, तो कहती हैं कि कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मज़ा आ जाए, जो कभी ना किया हो, और ये कहते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। उसी टाइम पीछे से एक और आवाज़ आती है, अरे क्यों तंग कर रहे हो उस लड़की को। उसी टाइम वो लड़कियाँ घूमना बंद कर देती हैं और साइड पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं देखो ना न्यू कमर है, रैगिंग करनी है हम लोगों ने। तो उस ग्रुप की जो लीडर है वो सामने आती है एक्फा और कहती है अरे क्यों तंग कर रहे हो बाबा, न्यू कमर है जानती हूँ मैं तो, बट देखो तो सही कितनी क्यूट है वो, और इसके रैबिट के दांत इसको और क्यूट बनाते हैं। उसी टाइम लीज़ा जो है एक्फा के पास चली जाती है और कहती है देखिए ना मेरे क्लास का टाइम हो रहा है और ये लोग मुझे यहाँ ले आए हैं क्लास का बोल के। एक्फा हंसती है और कहती है इट्स फाइन इट्स फाइन, आप न्यू कमर हो ना और ये सीनियर हैं हमारे, तो रैगिंग करना तो हक है इनका, रैगिंग किए बिना मानेंगे भी नहीं ये, तो आप कुछ कर दो ऐसा जो ये लोग भी खुश हो जाएं और आपको भी आज़ादी मिल जाएगी फिर। तो एक्फा स्माइल करती है और कहती है कि आप ऐसा करो डांस कर दो। तो लीज़ा थोड़ी देर चुप होके सोचती है और फिर कहती है ठीक है बट सॉन्ग, एक्फा कहती है अभी लगा देते हैं सॉन्ग, और लगाना लगाते हैं चिकनी चंबेली। तो लीज़ा थोड़ा डांस करती है चिकनी चंबेली पे, बट ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो कहते हैं नहीं मज़ा नहीं आया गाना चेंज करो। उसी टाइम गाना लगा देते हैं शीला की जवानी और गाना बजता है, लीज़ा अगेन डांस करती करती जाती है बट उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और फिर वो गाना चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम क्लासरूम में एक और एंट्री होती है हमारी रोज़ की, और जब सब उस रोज़ को देखते हैं और फ़ौरन चुप हो जाते हैं, गाने भी बंद कर देते हैं। एक्फा कहती है रोज़ आप यहाँ क्या कर रहे हो। रोज़ कहती है मुझे पता चला कि आप लोग रैगिंग कर रहे हो किसी की, तो मैं देखने आ गई कि किसी को ज़्यादा तो नहीं तंग कर रहे। एक्फा कहती है नहीं बाबा हम लोग ऐसे थोड़ी करेंगे, ये देखो ना कितनी क्यूट है हमारी जो जूनियर है, बस हम लोग इस साथ डांस देखना चाह रहे थे, काफ़ी अच्छी डांसर है, तो सोच रहे थे कि अगली बार कॉन्टेस्ट में इसी को ही रखेंगे हम लोग डांस के लिए। तो एक्फा रोज़ को देख के स्माइल करती है और रोज़ कहती है हाँ ठीक है बट अभी इसको छोड़ दो इसकी क्लास का टाइम है। और इसी तरह आकर लीज़ा को हाथ पकड़ के उसका बैग पकड़ के उसको ले जाती है वहाँ से क्लासरूम की तरफ और कहती है कि अब ये तुम्हारा क्लासरूम है, तुम्हारे क्लास का टाइम है, अब नेक्स्ट टाइम लेट मत होना, अब क्लास में जाओ। और उसी टाइम लीज़ा क्लास में चली जाती है और थैंक यू बोलती है रोज़ को और क्लासरूम में जाकर क्लास में बैठ जाती है। ऑल राइट, यहाँ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।